everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो विंटर्स को बाय बाय और समर को वेलकम. तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सारे स्वेटर्स और हैवी क्विल्ट सबको अच्छे से क्लीन करके, क्विल्ट को ड्राई वॉश करके और स्वेटर्स को अच्छे से क्लीन करके फिर हमें उसे जमाना पड़ता है. ये सब कुछ आज मैं शेयर करूँगी आप सबसे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. उसके पहले फ्रेंड्स, जो भी नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sari100. मैं उसमें अपडेट्स देती रहती हूँ, पिक्स शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम में. और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. हैवी क्विल्ट को मैंने ड्राई क्लीन पे दे दिया है और समर क्विल्ट को मैंने अच्छे से धूप दिखा के उसके बाद उसे कवर करके, कवर लगा के मैं स्प्रेड कर लेती हूँ बेड पे. जितने भी उलन स्वेटर्स, जैकेट्स और शॉल जो भी था, सब कुछ मैंने निकाल के चेक कर लिया है. जो भी मुझे डिस्कार्ड करना था वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है. और जिसको वॉश करना था उसे अच्छे से मैं इजी से वॉश कर ली हूँ. और बाकी को अच्छे से धूप दिखा के फिर मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ. इन जैकेट के साथ पाउचेस आया है, सो पाउचेस में इसे डालने से बहुत ही छोटा हो जाता है और स्पेस कम लगता है, इसलिए इसे मैं अच्छे से पाउचेस में डाल रही हूँ. अगर आप उलन क्लोथ्स को अच्छे से क्लीन करके नहीं रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मौत लग जाता है, जिससे कि आप उसे रीयूज़ नहीं कर सकते. हमारे देश में सिर्फ 2-3 महीना ही विंटर्स रहता है तो उलन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग रीयूज़ करते हैं. नेक्स्ट ईयर आपका काम आ जाता है और आपका पैसे भी बचता है. मैं अपने उलन्स को ऐसी ट्रंक में सेव करती हूँ, मेरे जितने स्वेटर्स और कुर्तीज़ वगैरह हैं. मेरे हस्बैंड के उलन क्लोथ्स को मैं बेड स्टोरेज में स्टोर करती हूँ, एक पुराने सूटकेस के अंदर. पुराने सूटकेस को भी आप इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हो अपने उलन को स्टोर करते हुए. अगर आपके पास पुराना सूटकेस नहीं है तो आप कार्डबोर्ड बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हो, नहीं तो आप प्लास्टिक बॉक्स भी अवेलेबल है और क्लोथ के बॉक्स भी अवेलेबल है. अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी एक चॉइस करके अपने उलन को स्टोर कर सकते हो. और मैं इसमें नैप्थलिन बॉल्स डालती हूँ. नैप्थलिन बॉल्स डालने से इसमें इंसेक्ट्स नहीं लगता और मौत भी नहीं लगता और बहुत फ्रेश रहता है और अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहता है, इसलिए मैं इसमें नैप्थलिन बॉल डाल के स्टोर करती हूँ. इससे क्या होता है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी इसी क्लोथ को, इसी कुर्ती स्वेटर्स को रीयूज़ कर सकती हूँ और मुझे नया ख़रीदना नहीं पड़ेगा. और अभी मार्केट में वैक्यूम पाउचेस भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो उलन्स को स्टोर करने के लिए, उससे काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई होता है. और मैं आ गई थोड़ा सा पानी डालने पौधों को, इंडोर प्लांट्स को. और मैंने ये वाटर तैयार किया है, इसे मैं ऑनियन पील से तैयार की हूँ. मैंने एक फ्रेंड के वीडियो में देखा था कि अनियन पील्स एक्सट्रैक्ट वाटर से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है. होप फॉर द बेस्ट. मैं यूज़ करके देखती हूँ एक महीने में क्या ग्रोथ होता है मेरी प्लांट्स का, तो फिर मैं शेयर करूंगी आपसे.
कुछ नहीं, इसमें वाटर ऑनियन पील्स को वाटर में अच्छे से उबालने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए वाटर को, और बस तैयार हो गया आपका ऑनियन पील एक्सट्रैक्ट वाटर। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, फ्रेंड ने बताया। सो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और मैं आ गई मम्मी के रूम में, और मम्मी के रजाई को भी चेंज करना है। रजाई की कवर को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रजाई को स्टोर करूँगी बेड स्टोरेज में। एंड देन इसमें मैं अभी डालूँगी पतला वाला क्विल्ट जो कि एसी में भी काम आएगा। आज का ब्लॉग आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करिए कीजिएगा, और अगर बुरा लगा फिर भी कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कनेक्टेड।